तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करेंगे, क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो फाइनल एग्जामिनेशन 2024 में होने वाला है, उसके लिए उर्दू 100 मार्क्स का टॉप बीबीए ऑब्जेक्टिव का क्लास करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें टॉप 100 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें से आप लोग का जो है 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग जो है इन तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईएससी से हो, आईकॉम से हो, या फिर आईए से हो, या फिर वोकेबुलरी स्ट्रीम से हो, यानी कोई भी स्ट्रीम से हो, आप लोग जो है इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपका उर्दू 100 मार्क्स का है तो। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग जो है जो भी स्टूडेंट अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है नए आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, क्योंकि 6 PM में उर्दू का जो है आप लोग को टॉप 100 बीबीए ऑब्जेक्टिव करके पर डे दिया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो है क्लास पर डे अटेंड कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आते ही आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि घबराना का जो है हासिल मजदर क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि घबराना का हासिल मजदर क्या होगा, क्या घबराहट होगा, घबरालू होगा, घबेर होगा, घबराऊ होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हासिल मजदर क्या होता है, आप लोग जो है हिंदी में पढ़े होंगे विशेषण, ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हासिल मजदर, ठीक है, यानी विशेषण को ही हम लोग हासिल मजदर बोलते हैं। तो घबराना का जो है विशेषण क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि घबराना का जो विशेषण यानी हासिल मजदर होता है वो घबराहट होता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि रोशन कमरा में रोशन क्या है। यहाँ पर देखिए रोशन कमरा है, ठीक है दोस्तों, रोशन कमरा है, इसमें जो रोशन है वो क्या है, क्या इस्म आला है, इस्म जर्फ है, सिफत है, या फिर फेल है। तो राइट आंसर इसका बता दीजिए दोस्तों, इस्म आला आप लोग को पता ही होगा कि इस्म आला में जो है हथियारों के नाम आते हैं, तो रोशन क्या हथियार है, नहीं। और इस्म जर्फ आप लोग को पता होगा कि इस्म जर्फ में जो है जगह का नाम होता है, और सिफत क्या होता है, गुण है, ठीक है दोस्तों, और फेल क्या है, काम है। तो यहाँ देखिए रोशन कमरा, रोशन कमरा में जो है रोशन क्या होगा, तो एक गुण है कि कमरा जो है रोशन है, ठीक है दोस्तों, तो वो गुण है, तो क्या होगा, वो एक सिफत होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि जैद आम खाता है, इस जुमले में जो है खाता है क्या है। तो देखिए जैद आम खाता है, इस जुमले में खाता है क्या है, फाइल है, फेल है, मफूल है, इस्म है। तो राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट को अगर आंसर पता है आप लोग आंसर देते रहें। यहाँ पर खाता है, खाता है क्या है, वो कोई काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों, जैद आम खाता है, खाता है क्या है, एक काम है, ठीक है। तो काम देखिए कोई भी काम होने और करने को क्या बोलते हैं हम लोग, फेल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चार नंबर। चार नंबर क्या है कि कल मैं मुशायरा जाऊंगा, ये जुमले कि ये जुमला जो है किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। देखिए दोस्तों कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, ये जुमला जो है किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, क्या माजी से, हाल से, मुस्तकबिल से, या फिर माजी तमन्नाई से। तो आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बताए थे कि कोई भी यानी कोई भी जुमले में गा गे गी रहे तो आप लोग को मुस्तकबिल में जाना है, ठीक है दोस्तों। और माजी क्या होता है, माजी में जो है था, थे, थी, ठीक है। और हाल क्या होता है, यानी हाल में क्या होता है, ठीक है दोस्तों, है वाला यानी जो प्रेजेंट में होता है ना उसी को हाल बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। माजी को क्या बोलते हैं, भूतकाल यानी फ्यूचर, ये भूतकाल, ये सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यानी पास्ट टेंस बोलते हैं। माजी को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं, और इसको यानी भूतकाल बोलते हैं हिंदी में। और मुस्तकबिल को क्या बोलते हैं, भविष्यकाल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। माजी तमन्ना ही क्या होता है, इसमें तमन्ना किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़े तमन्ना किया है कि कल मैं मुशायरा जाऊँगा, तमन्ना में क्या होता है कि काश, ठीक है दोस्तों, काश वाला वर्ड जब भी आए यानी उसमें जो तमन्ना का बात आया, यानी कोई भी चीज़ का जो तमन्ना करें तो वो जो होता है आपका माजी तमन्ना ही में। मुस्तकबिल में गा गेगी होता है, और हाल में जो होता है वो जो प्रेजेंट में काम हो वो, और माजी में क्या होता है कि जो काम हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग को गा गेगी दिया है यानी जाऊँगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुस्तकबिल होगा। यहाँ क्लियर हो गया, जब भी एग्ज़ाम में पूछे यानी जब भी कोई भी जुमले वाला वर्ड आए उसमें अगर गा गेगी दे तो आप सभी को
मुस्तकबिल में जाना है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर क्या है कि तस्बीब की जिद क्या होगी। देखिए दोस्तों, सॉरी नसीब की जिद, या नसीब है, नसीब की जिद क्या होगी। आप लोग को इस जिद के बारे में पता होगा, जिद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, ओपोजिट वर्ड, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, ओपोजिट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नसीब का विपरीतार्थक क्या होगा, यानी विपरीत शब्द क्या होगा, नसीब का ओपोजिट वर्ड क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, क्या होगा, क्या फराज होगा, बुलंदी, जाहिर, वसी। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को याद रखना, नसीब की जो जिद होगी वो फराज होगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर क्या है कि गज़ल के आखिरी शेर में जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी अपना जो है नाम इस्तेमाल करता है, तो उसमें जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आखिरी शेर को क्या मतला कहते हैं, मकता कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं, या फिर जैब मतला कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसमें से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, दो में से एक जरूर पूछे जाएंगे, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। गजल के आखिरी शेर में, आखिरी शेर जिसमें जो है शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मक्ता कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। क्या बोलते हैं, गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसे मक्ता कहते हैं। और मतला किसे कहते हैं, तो मतला आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि गजल का पहला शेर जिसमें जो है शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग मतला कहते हैं, ठीक है। और आखिरी में जो इस्तेमाल करें तो मक्ता कहते हैं। तो यहाँ हम लोग को आखिरी के बारे में जिक्र किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मक्ता होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में भी पूछे कि मक्ता और मतला के बारे में बताएं, या फिर सिर्फ मक्ता के ही बारे में पूछे जाते हैं कि मक्ता किसे कहते हैं, तो आप सभी को बस सब्जेक्टिव में ये लिखना है कि गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम लोग मक्ता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर हम लोग का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवन नंबर क्या है कि दर्ज जेल में इस्म मुसग्गर कौन है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है इस्म मुसग्गर जो है कौन है, क्या बाग होगा, बागीचा होगा, पहाड़ होगा, या फिर आपका मुल्क होगा। तो आप सभी को पता होगा इस्म मुसग्गर में जब भी आए तो उसमें जो है चाह लगते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या लगते हैं इस्म मुसग्गर में। अब जैसे बाग है, बाग क्या है, बाग को हम लोग क्या उसको इस्म मुसग्गर में ये करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम लोग चाह में करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, इस्म मुसग्गर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन क्या है, बाग, बागीचा, पहाड़, मुल्क, तो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा क्या, बागीचा होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मुसग्गर में क्या होगा, बागीचा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ दर्ज जेल में इसमें मुसग्गर कौन है, तो वो इस ये बागीचा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कभी बी, कभी कभी जो है किताब चाह दे देते हैं, तो किताब चाह भी जो है आपका क्या होते हैं, वो इस्म मुसग्गर होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इस्म मुसग्गर में आप लोग को ऑप्शन में किताब चाह दे देंगे, या फिर ऐसे दे देंगे कि आपका इस्म मुसग्गर कौन नहीं है, तो आपको देखिए बागीचा दे देंगे, किताब चाह दे देंगे, मुल्क की चाह दे देंगे, और बाग दे देंगे। तो आप लोग को बाग लगाना है, जिसमें भी चाह यानी चाह और हा मिला हुआ रहे तो वो जो है इस्म मुसग्गर होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एट नंबर चलते हैं। एट नंबर क्या है कि दर्ज जेल में इस्म नकरा यानी इस्म आम कौन है, यानी इस्म आम कौन है दोस्तों। इसमें देखिए गंगा है क्या, देखिए ऑप्शन देखिए, ए में है गंगा, बी में जमुना, सी में है नदी, और डी में है झील। तो देखिए इस्म आम क्या होता है, इस्म आम में जो है यानी इस्म खास और इस्म आम, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। इस्म खास में यानी खास चीज़ों के का नाम जो है बयान किया जाता है, और इस्म आम में आम चीज़ों का जो है नाम का बयान किया जाता है। तो आम चीज़ कौन है, गंगा, गंगा क्या है, एक खास नाम है। जमुना क्या है दोस्तों, जमुना एक जो है खास नाम है, यानी जमुना नदी, ठीक है, एक खास नाम है। झील, झील एक जो है एक खास नाम है। लेकिन नदी जो है, नदी क्या खास नाम है, नहीं, नदी खास नाम नहीं है, नदी जो है आम नाम है, क्योंकि नदियां जो है बहुत होते हैं, ठीक है। जैसे कि गंगा, जमुना, झील, ये सब क्या है, एक नदी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है, सिर्फ नदी, नदी क्या होता है, एक आम होता है, खास होता है आपका गंगा, जमुना, झील, लाल किला, कोई भी खास जगह का नाम बयान किया जाए तो वो जो है आपका क्या हो जाते हैं, इसमें खास हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछ देंगे कि
वह शहर जो है बहुत अच्छा है, तो इसमें शहर जो होता है ना वो शहर जो है इस्म आम है, लेकिन उसके जगह में अगर शहर जैसे कोई भी शहर का नाम ले लेते हैं, जैसे कि पटना, अगर पटना का नाम ले लें तो पटना एक ख़ास नाम है, ठीक है, तो उसको हम लोग इस्म खास बोलते हैं। इस्म आम में आपको आ जाएगा सिर्फ शहर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, 9 नंबर क्या है कि देखिए, बादशाह हुकूमत या यानी उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं उसे जो है क्या कहते हैं, या मतलब ये बोला गया है कि बादशाह हुकूमत और जो उमरा की तरफ से जो खास अजीजी नाम दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, खिताब, लकब, कुतुब या फिर तखल्लुस। तो राइट आंसर इसका बता दीजिए दोस्तों, इसका क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है उसे जो हम लोग कहते हैं खिताब कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, खिताब, यानी बादशाह हुकूमत और जो यानी उमराओं के तरफ से जो अजीज यानी एजाजी नाम दिए जाते हैं ना उसको हम लोग खिताब कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया 9 नंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्या है कि इनमें से जो है कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है, इनमें से जो है कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है। मुजक्कर और मुअन्नस आप लोग को पता होगा, मुजक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में क्या और मुअन्नस को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर जो होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो होता है वो मुअन्नस। तो इनमें जो है पुल्लिंग कौन सा है, क्या जोगन, उलझन, डायन, चमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें कौन सा लफ्ज़ जो है मुजक्कर है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इनमें जो मुजक्कर है ना वो जो है आपका यानी उलझन है, चमन है, कौन है, चमन, ठीक है दोस्तों, यानी इनमें से जो है कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है तो चमन है, और डायन, उलझन, जोगन, ठीक है, ये आपका तीनों क्या है, तो ये जो है आपका मुअन्नस है, लेकिन यहाँ जो चमन है चमन मुजक्कर है, इसीलिए इसका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हम लोग चलते हैं, देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्या है कि बाग व बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। देखिए, बाग व बहार में जो अंधे फकीर थे ना उसका जो है तखलीक यानी तखल्लुस या ये सॉरी ताल्लुक जो है किस मुल्क से था, क्या चीन से, हिंदुस्तान से, अरब से, शाम से। तो राइट आंसर इसका बता दीजिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट को पता है आप लोग जो है आंसर देते रहें, या नहीं पता है तो आप लोग क्लास में फोकस करें, ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइव चैट में जो है बातें नहीं करें। तो देखिए, बाग व बहार में जो अंधे फकीर का ताल्लुक है वो किस मुल्क से था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका जो ताल्लुक था वो हिंदुस्तान से था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, 12 नंबर क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए। देखिए दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी जो पैदा हुए थे वो कहाँ हुए थे, क्या दिल्ली में, अलीगढ़ में, दसना में या फिर पटना में। तो राइट आंसर इसका बता दें दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई है वो दसना, नालंदा में पैदा हुई है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ दें कि वो किस सूबे में पैदा हुए तो सूबा है बिहार के दसना, नालंदा में पैदा हुए, ठीक है दोस्तों। सोबा किसको बोलते हैं, सोबा को हम लोग हिंदी में राज्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्या है कि शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है। देखिए, शिकस्त जिंदा का ख्वाब जो नज्म है वो किसका नज्म है, क्या इकबाल का, जमील मजहरी का, परवेज साहिदी का, जोश मली आबादी का। तो राइट आंसर क्या होगा, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखेगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। शिकस्त जिंदा का ख्वाब जो है वो जोश मली आबादी का यानी नज्म है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक 13 नंबर हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। 14 नंबर हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं 14 नंबर। हर एक क्वेश्चन आप लोग को जो है क्लास में याद कर लेना है दोस्तों, आप लोग के लिए जो है पर डे 100 VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा 6 PM में, ठीक है। तो 6 PM में आप लोग पर डे जो है क्लास अटेंड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यानी 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर आपका क्या है कि दर्ज जेल में कौन सी नज्म अकबर इलाहाबादी की है, इनमें से जो है कौन सा नज्म है जो अकबर इलाहाबादी की है, क्या मुतशायर, बर्क कलिसा, खेती, मेरा सफ़र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, जो आपका मेरा सफ़र है, मेरा सफ़र जो है यानी मेरा सफ़र नज़ीर अकबर इलाहाबादी का है, और खेती जो है अमीर हनफी का है, और बर्क कलिसा जो है वो किसका है, तो नजम यानी अकबर इलाहाबादी का है। किसका है दोस्तों, अकबर इलाहाबादी का जो है बर्क कलिसा है, ठीक है। मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी का है, ठीक है। यहाँ पर
क्लियर कर लेना है, ठीक है। याद रखना है कि मेरा सफ़र किसका है दोस्तों, तो मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी, गुफ्तगु भी अली सरदार जाफरी, खेती जो है अमीर हनफी, और बर्क कलीसा जो है वही है क्या अकबर इलाहाबादी का। तो हम लोग को बस यही पूछा गया है कि दर्ज जेल में कौन सा नज्म जो है अकबर इलाहाबादी का है, तो वो जो है आपका बर्क कलीसा है, ठीक है। याद रहेगा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि ईवान गज़ल किसका नाविल है, ईवान गज़ल जो है वो किसका नाविल है, क्या सफ़ी जावेद, जिलानी बानो, या फिर मिंटो, या फिर सलाम बिन रज़ाक। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ईवान गज़ल जो है वो किसका नाविल है। तो आप सभी को याद रखना है ईवान गज़ल जो है वो जिलानी बानो का नाविल है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि ईवान गज़ल जो है वो क्या है, तो ऑप्शन में आप लोग दे देंगे नाविल, खाका, अफसाना, उसके बाद इंसाइया। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ईवान गज़ल जो है एक नाविल है, जिसका जो है मुसन्निफ आपका यानी जिलानी बानो है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है कि अम्मू किस अफसाने का मरकजी किरदार है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बताए थे जब चैप्टर वाइज कर रहे थे, तो उसमें बताए थे कि अम्मू के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अम्मू किस अफसाने का मरकजी किरदार है, तो वो जो है आप लोग को बताए थे कि प्रॉमिस का जो है मरकजी किरदार अम्मू है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इसका क्या होगा, फराद होगा, या फिर आपका प्रॉमिस होगा, इब्राहिम सुक्का होगा, क्वारंटीन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अम्मू किस अफसाने का मरकजी किरदार है, तो आप लोग को इससे पहले बताया कि प्रॉमिस का जो है मरकजी किरदार अम्मू था, ठीक है दोस्तों। अगर सब्जेक्ट में पूछ दे कि यानी प्रॉमिस के जो है यानी मरकजी किरदार का नाम बताएं, प्रॉमिस अफसाने का जो मरकजी किरदार है उनका नाम बताएं, तो आप लोग को बस उर्दू में यही लिख देना है कि प्रॉमिस अफसाने का मरकजी किरदार अम्मू है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को और कुछ नहीं लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्या है कि सुक्का का मानी होता है। देखिए दोस्तों, सुक्का का मानी जो होता है वो क्या होता है, खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, काम करने वाला, खादिम। तो राइट आंसर क्या होगा, सुक्का के मानी क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सुक्का के मानी जो होता है वो पानी पिलाने वाला होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्या है कि गब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है, गुब्बारे खातिर जो है उनके मुसन्निफ कौन है दोस्तों, क्या ख्वाजा हसन नजामी, या आपका अबुल कलाम आज़ाद, गालिब, मेहदी अफादी। तो राइट आंसर इसका बता दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा, गब्बारे खातिर का मुसन्निफ जो है अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ऐसे भी पूछे जाते हैं कि गब्बारे खातिर क्या है, तो आप लोग को याद रखना है गब्बारे खातिर एक खतूत है, ठीक है, खतूत का मजमूआ है, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। गब्बारे खातिर क्या है, खतूत का मजमूआ है, उसके मुसन्निफ कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है आपका कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है। देखिए दोस्तों, मिट्टी का तेल जो है वो किसका मजमून है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, सफ़ी जावेद, क्या मिट्टी का तेल सफ़ी जावेद का है, वजीर आका का है, ख्वाजा हसन नजामी का है, या फिर अहमद जमाल पासा का है। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों, मिट्टी का तेल जो है वो ख्वाजा हसन नजामी का यानी मजमून है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर यहीं देख लीजिए, 20 नंबर में क्या है कि टोबा टेक सिंह किसका ऑप्शन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि टोबा टेक सिंह के जो मुसन्निफ है वो कौन थे, क्या अजीज अहमद, सादत हसन मिंटू, या फिर कृष्ण चंद्र, या फिर मोहम्मद मोहसिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट को पता है आंसर देते रहे, टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है, तो आप सभी को याद रखना है टोबा टेक सिंह जो है सादत हसन मिंटू का अफसाना है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। 21 नंबर आपका क्या है दोस्तों, देख लीजिए, ये 21 नंबर कि गालिब सुकून किस शायर को कहा जाता है, गालिब सुकून जो है वो किस शायर को कहा जाता है, क्या अता का कवि को, अमीक हनफी को, यगाना संगेजी को, या फिर मिजाज लखनवी को। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गालिब सुकून जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, गालिब सुकून जो कहा जाता है वो जो है यगाना चंगेजी को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या है कि जोहराना का लफ्ज़ जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जोहराना जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो किस यानी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि सुबह का नाश्ता के लिए, दोपहर का नाश्ता के लिए, रात का खाना के लिए, या फिर खाना पकाने वाला। नेक्स्ट को नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा कि देखिए जोहराना
जोहराना जो लफ्ज़ है उसका किसके लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है दोपहर का यानी ये सॉरी खाना पकाने वाला के लिए होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, कि इसका राइट आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, दोपहर का नाश्ता नहीं होगा या खाना होगा दोस्तों। क्या होगा, खाना होगा। याद रखिएगा जोहराना जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना वो दोपहर का खाना के लिए किया था, नाश्ता के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, खाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जोहर के बाद हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर यहीं से आप लोग जो है माइंड लगा करके आप लोग याद रखिएगा कि जोहराना, ठीक है, जोहराना मतलब जोहर के बाद का खाना, दोपहर का खाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्या है, कि नाक में दम करना का मतलब होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बताए थे कि नाक में दम करने का मतलब होता है, क्या होता है, परेशान करना, गुरूर करना, नाक में दवा डालना, रंजीदा होना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नाक में दम करना मतलब कि परेशान कर देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों कवायद में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए कवायद वाले क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट किया जाता है ताकि आप लोग जो है भूले नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि नाक में दम करना जो मुहावरा है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो वो परेशान करना होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां तक क्लियर हो गया। 23 नंबर, 24 नंबर हम लोग चलते हैं। 24 नंबर क्या है कि निशाने औकात में यानी शिकस्ता यानी शिकस्ता का जो है मतलब क्या होता है। देखिए निशाने औकाफ में जो है शिकस्ता का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सिकिस्ता नहीं होगा, यहाँ सिकता होगा, सकता होगा। ठीक है, सिकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर निशान औकात में जो है आपका सिकता का मतलब क्या होता है, तोवेल ठहराओ, मुख्तसर ठहराओ, सवाल या फिर खात्मा। तो यहाँ सिकता का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को जो है कल 2023 के लिए 23 का क्वेश्चन बैंक कराएंगे, तो उसमें देखिएगा आप लोग को जो है ये सब क्वेश्चन बहुत सारे जो है मिला जुला मिलेगा। ठीक है, तो 2023 का क्वेश्चन बैंक कल करवाएंगे, तो आप लोग जो है 6 बजे PM में रेडी रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। सिकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सिकता का मतलब जो होता है वो होता है तोवेल ठहराओ। क्या होता है दोस्तों, यानी सिकता का मतलब क्या होता है, तोवेल ठहराओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या है कि जिस शहर में किसी तारीखी वाकिया की तरफ इशारा हो उसे क्या कहते हैं। देखिए कोई भी शहर में जो है कोई भी तारीखी वाकिया जो है की तरफ इशारा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिजाज मुरसल, लमी या फिर आपका यहाँ तलमी होगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा, तलमी या फिर आपका तजनीस या फिर मुबालगा। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, कोई भी शहर में किसी तारीखी वाकिया की तरफ इशारा हो तो उसे हम लोग तलमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तलमी कहते हैं। राइट आंसर इसका जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ जो है तलमी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो है यानी ऑप्शन यानी क्वेश्चन का आंसर जो है रॉन्ग टाइप हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, जिस शहर में किसी तारीखी वाकिया की तरफ इशारा हो तो उसे हम लोग तलमी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कौन जुमला जो है, कौन सा जुमला दुरुस्त है, मतलब कि कौन सा जुमला जो है शुद्ध है यानी परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यानी राइट है। क्या यहाँ पर क्या है कि दो शौकीन है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम नाश्ता करते हैं। यहाँ पर जो है कौन सा जुमला दुरुस्त है, यहाँ पर कौन सा जुमला शुद्ध है। हिंदी में आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जुमला जो यानी कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, और यहाँ पर उर्दू में पूछ दिया है कि कौन सा जुमला जो है वो दुरुस्त है। तो यहाँ पर कौन सा जुमला दुरुस्त होगा दोस्तों, वो है क्या, तुम क्रिकेट खेलते हो। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो जुमला दुरुस्त है वो होगा तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम इट इज ऐसा ही पूछे जाएंगे, और उसका जो ऑप्शन भी होगा ना दोस्तों सेम होगा। तो इसीलिए जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा हर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या है कि इंसाया निगार डैश तरीका का इख्तियार करता है, यानी खाली जगह मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर क्या है कि इंसाया निगार जो है कौन सा तरीका इख्तियार करता है, क्या रस्मी, गैर रस्मी या फिर गमगीन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बता दोस्तों, इंसाया निगार जो है वो गैर रस्मी तरीका का इख्तियार करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या है कि कॉलेज की
तरफ से बागवा बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला। देखिए कॉलेज की जो तरफ से बागवा बहार पर मीर अमन को जो है कितने रुपए का इनाम मिला था, क्या 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। तो कितने रुपए का इनाम मिले थे कॉलेज की तरफ से मीर अमन को, यानी बागवा बहार के लिए, तो उसको मिले थे 500 यानी 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर। दोस्तों 29 नंबर क्या है कि प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है। देखिए प्रेमचंद का जो है पहला अफसानवी मजमुआ जो थे वो कौन सा थे, क्या वारदात थे, सौज वतन थे, या आपका प्रेम यानी प्रेम 25 थे, या आपका आखिरी तोहफा थे। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रेमचंद का जो है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए प्रेमचंद का जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो कौन सा था, कौन सा है, तो आप सभी को याद रखना है उसका जो पहला अफसानवी मजमुआ है ना वो है क्या, सौज वतन। क्या है दोस्तों, सौज वतन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्या है कि बिशन सिंह किस अफसाने का किरदार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिशन सिंह जो है किस अफसाने का किरदार है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुए हैं तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसका आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग को कुछ नहीं करना, जहां पर सिंह देखना, सिंह देखे, सिंह जहां देखेगा वहां पर आप लोग को आंसर लगा देना। ठीक है, तो यहां देखिए प्रोमिस इब्राहिम सुक्का, टोबा टेक सिंह, उसके बाद आपका ठंडा गोश्त। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बिशन सिंह देखे, सिंह देखो टोबा टेक सिंह में है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया बिशन सिंह किस अफसाने का किरदार है, तो वो टोबा टेक सिंह के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या है दोस्तों कि इनमें से जो है कौन तरक्की पसंद अदीब है। देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा शायर है जो तरक्की पसंद अदीब है, क्या सज्जाद हैदर एल्दरम, या फिर अली सरदार जाफरी, डिप्टी नज़ीर अहमद, या फिर ख्वाजा हसन नज़ामी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इनमें से जो है कौन सा जो शायर है जो तरक्की पसंद अदबी के है, तो अदीब है, तो इसका राइट आंसर होगा सज्जाद हैदर एल्दरम। ये जो है आपका तरक्की पसंद अदीब है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को भूलना नहीं है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है, याद नहीं होगा आप लोग 2 से 3 बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और टेलीग्राम से PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जो है आप लोग को A to Z PDF दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्या है कि अमीक हनफी का असल नाम क्या था। देखिए अमीक हनफी का जो असल नाम था वो क्या था दोस्तों, ऑप्शन देखिए अब्दुल अजीज हनफी, आमिर हनीफी, अब्दुल्ला हनीफी, या फिर अफरोज हनीफी। तो राइट आंसर क्या होगा, अमीक हनफी का असल नाम, तो आप सभी को याद रखना है कि अब्दुल अजीज हनफी होगा। क्या होगा दोस्तों, यानी अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज हनफी था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्या है कि फल्क की जमा क्या होगी। देखिए दोस्तों फल्क की जमा जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, अफलाक, फल्कियात, मफलूक, या फिर फलिक। राइट आंसर क्या होगा, फल्क की जमा क्या होगी, तो आप सभी को याद रखना है उसका जो जमा होगा वो अफलाक होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। 34 नंबर चलते हैं। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर आपका क्या है कि दर्ज जेल में इस्म मार्फा यानी इस्म खास कौन सा है। तो इस्म खास के बारे में इससे पहले आप लोग को बताएं कि कोई भी खास जगह, खास स्थानों के नाम यानी खास चीज़ों के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खास चीज़ों के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इस्म खास बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है दोस्तों, आदमी, इंसान, बुजुर्ग, डॉक्टर अंबेडकर। तो यहाँ पर जो इस्म खास क्या होगा दोस्तों, आप सभी को यानी इस्म खास के बारे में इससे पहले ही बताया कि इस्म खास खास चीज़ों, खास जगह के नाम, क्या आदमी एक खास नाम है, नहीं। आदमी देखिए, आदमी में कोई भी नाम होते हैं, जैसे आप लोग का देखिए आदमी में हजारों नाम होते हैं, लाखों नाम होते हैं। ठीक है, इंसान जो है, इंसान लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं। ठीक है, बुजुर्ग जो होते हैं वो लाखों करोड़ों होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो एक नाम है, एक खास नाम है। ठीक है दोस्तों, तो खास नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी खास नाम, खास जगह के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसमें मार्फा यानी इसमें खास बोलते हैं। तो इसमें खास यहां पर कौन है, डॉक्टर अंबेडकर है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्या है कि किसी की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागवा, किसकी ख्वाहिश पर, यहां पर किस होगा, किसकी ख्वाहिश पर जो है मीर अमन ने जो है बागवा बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया। तो देखिए दोस्तों, किसकी ख्वाहिश पर किए थे, आसिफ अलदौला, या फिर आपका
यानी जॉन गिलक्रिस्ट, या आपका नवाब वाजिद अली, या आपका मोहम्मद तहसीन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन गिलक्रिस्ट। क्या होगा दोस्तों? जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर मीर अमन देहलवी ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्या है कि हम नहीं जानते किसकी नज़म है। देखिए दोस्तों, हम नहीं जानते जो नज़म है वो किसका लिखा हुआ नज़म है। तो राइट आंसर इसका बता दे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा यानी वो होगा क्या, हम नहीं जानते ना, वो होगा योजिनो मोनताले। ठीक है, योजिनो मोनताले जो है उनके मुसन्नी, यानी ये जो है किसके मुसन्निफ है, तो हम नहीं जानते नज़म का मुसन्निफ है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर है कि दायम परा हुआ तेरे डैश पर नहीं हूँ मैं, इस मिसरा को जो है मुकम्मल करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर वाइज में बता दिए थे कि दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घर, दर, सर, मुंह। तो राइट आंसर होगा दर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। 38 नंबर क्या है कि इब्राहिम सुक्का किसका अफसाना है। देखिए दोस्तों, इब्राहिम सुक्का का जो है मुसन्निफ कौन है? सफी जावेद, जिलानी वानो, सलाम बिन रज़ाक, मिंटो। तो राइट आंसर होगा इब्राहिम सुक्का के जो मुसन्निफ है वो है सलाम बिन रज़ाक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर कि नस्तर यास किसका शायरी मजमुआ है। तो नस्तर यास जो है उसके मुसन्निफ कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, नस्तर यास के जो मुसन्निफ है वो है यगाना चंगे जी। कौन है दोस्तों नस्तर यास के मुसन्निफ? तो वो है यगाना चंगे जी। राइट आंसर नस्तर यास का ना, नस्तर यास का कौन होगा? परवेज साहिदी होगा। सॉरी, नस्तर यास के जो मुसन्निफ है वो परवेज साहिदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं कि खबर की जमा क्या होगी, खबर की जो जमा होगी वो क्या होगी। तो वाहिद जमा के बारे में आप लोग को अच्छे से बताए थे दोस्तों कि खबर की जो जमा होगी वो अखबार होती है। क्या होती है? अखबार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर, नूर की जो है जिद क्या होगी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि नूर की जिद क्या होगी? ऑप्शन देखिए, ए में अंधेरा, बी में खलवत, सी में जुलमत, डी में रोशनी। तो राइट आंसर क्या होगा कि नूर की जिद होगी, तो नूर का जो जिद होगा वो होगा जुलमत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 42 नंबर कि किस देखिए दोस्तों, 42 नंबर आपका क्या है कि किस लफ्ज का मानी जो है खत होता है। यहाँ पर क्या है, पूछा गया है कि कौन सा लफ्ज है जिसका मानी जो है खत होता है। क्या मकतूब, या फिर आपका मलहूम, या फिर मजमून, या फिर मंसूर। तो इसका यानी इसमें जो है किसका मानी जो है खत होता है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया और पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 2023 में जो है पहला ही क्वेश्चन जो पूछा गया था, यही पूछा गया था कि किस लफ्ज़ का मानी जो है खत होता है। तो वो जो लफ्ज़ है वो है मकतूब। मकतूब के मानी क्या होता है? खत होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। 43 नंबर आपका क्या है कि काश तुम मुझे पहले मिल जाते, ये जुमला है, जुमला किस जमाने से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पर क्या आया है दोस्तों? काश। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले आप लोग को क्या बताया कि जहाँ पर भी काश आए तो आप लोग को जो है तमन्नाई, माजी तमन्नाई में जाना है। यहाँ पर जो है तमन्ना कर रहे हैं कि काश यानी पहले मिल जाते, तो यानी ये जुमला है ये क्या है? माजी तमन्ना ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्या हाल होगा, मुस्तकबिल होगा, माजी मुतलिक होगा, या फिर आपका माजी तमन्ना ही होगा। तो राइट आंसर बता दें कि काश तुम मुझे पहले मिल जाते, तो ये जो ज़माना है ये माजी तमन्ना ही ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 44 नंबर। 44 नंबर क्या है कि जज्बा की जमा क्या होगी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जज्बा की जमा होगी, तो जज्बा की जो जमा होगी वो क्या होगी? जज्बातों, जज्बों, जज्बात, या फिर मजूब। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? जज्बात का यानी जज्बा का होगा जज्बात। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्या है कि ना खुदा के मानी क्या होता है, ना खुदा के जो मानी होता है वो क्या होता है? मुल्ला, कश्ती, दरिया, समंदर। तो राइट आंसर बता दें कि ना खुदा के मानी होता है वो मल्ला होता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मल्ला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर। 46 नंबर क्या है कि ए वली जो लिबास तन पर रखा, इस मिसरा में वली क्या है। तो देखिए दोस्तों, ए वली, वली जो है इसमें जो है क्या है,
क्या है, वह रदीफ़ है, काफ़िया है, तखल्लुस है या फिर आपका खिताब है। तो इस तखल्लुस क्या होता है कि शायर जो है अपने इशार में यानी अपने नाम के बजाय कोई दूसरा यानी मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए वली जो लिबास तन पर रखा है, तो ए वली, तो वली दुकनी नाम है, तो यहाँ पर वली सिर्फ नाम दिए हैं यानी कोई भी मुख्तसर नाम दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो वो वली क्या रहेगा, वो तखल्लुस होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्या है कि पहाड़ काटने वाला ज़मीन से हार गए। यहाँ पर क्या है कि पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इस मिसरे में जो है पहाड़ काटने वाले से क्या किसकी तरफ इशारा होता है। देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि पहाड़ काटने वाले जो ज़मीन से हार गए, इस मिसरा में जो पहाड़ काटने वाला होते हैं ना, उससे जो क्या मुराद है दोस्तों, यानी किसके तरफ इशारा करता है, क्या लीला के तरफ, मजनू, लैला के तरफ, मजनू के तरफ, फरहाद के तरफ या फिर सीरी के तरफ। तो राइट आंसर होगा वो होगा फरहाद। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी ये भी दे देते हैं कि फरहाद का मानी क्या होता है, तो फरहाद का मानी होता है काटने वाला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्या है, दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, यानी कौन सा लफ्ज जो है पुल्लिंग है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, न्यामत, रहमत, सहर, कयामत। तो राइट आंसर इसका बता दे दोस्तों, इसमें जो मुजक्कर है वो है सहर। ठीक है दोस्तों, सहर, शेर, यहाँ शेर है, सहर नहीं है, शेर जो है वो क्या है, मुजक्कर है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर। 49 नंबर क्या है कि फरातुल्ला बेग, देखिए यहाँ पर क्या है 49 नंबर में कि फरातुल्ला बेग के साथ मदरसे में कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है, यानी पहला ही चैप्टर का है, जो यानी नज़ीर अहमद की कहानी जो नावल ये खाका चैप्टर है उसी का है कि फरातुल्ला बेग के साथ मदरसे में कौन थे। तो क्या मिस्टर रजा थे, मियाँ दानी थे, मिस्टर मुबीन थे या फिर आपका मियाँ सानी थे। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा कि फरातुल्ला बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से पता होगा, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है कि उर्दू का पहला खाका निगार जो है फरातुल्ला बेग को कहा जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल अहमद मिंटो, उसके बाद फरातुल्ला बेग। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, फरातुल्ला बेग होगा, यानी फरातुल्ला बेग को ही उर्दू का पहला खाका निगारी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर। 51 नंबर क्या है कि सिपाराए दिल जो है किसकी तसनीफ है, सिपाराए जो है वो किसकी तसनीफ है, यानी किसका लिखा हुआ मुसन्निफ है, यानी किसका लिखा हुआ नज्म है। तो सिपाराए दिल जो है किसका है, ख्वाजा हसन नजामी, वजीर आगा या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी, अंजुम मानोपुरी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ख्वाजा हसन नजामी। सिपाराए दिल किसके मुसन्निफ है, तो ख्वाजा हसन नजामी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। 52 नंबर क्या है दोस्तों कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरबी में जो नाश्ता को कहते हैं वो क्या कहते हैं, फुतूर, इफ्तार, निहार, कलिया। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों, अरबी में जो नाश्ता को कहते हैं फुतूर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्या है कि वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। देखिए दोस्तों, वजीर आगा का जो ताल्लुक थे वो किस मुल्क से थे, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को, हर स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, जो भी स्टूडेंट अगर मेरा चैप्टर वाइज देखे हैं तो उसको पता होगा, क्योंकि चैप्टर वाइज में A to Z क्वेश्चन जो है करा दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, प्लेलिस्ट जो है आप लोग का बना दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो आप सभी को याद रखना है, वजीर आगा का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। ठीक है दोस्तों, किस से, हिंदुस्तान से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वजीर आगा का ताल्लुक ना पाकिस्तान से है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, यहाँ पर वजीर आगा का ताल्लुक पूछा है तो पाकिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 54 नंबर। 54 नंबर क्या है कि मुतशायर जो है किसकी, यहाँ पर क्या बोला गया कि मुतशायर की जमा होगी। तो मुतशायर की, यहाँ जो है आपका मुतशायर नहीं था, यहाँ क्या था, यानी शायर था। ठीक है दोस्तों, क्या था, शायर, शायर की जमा होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से पता होगा कि शायर की जो जमा होती है वो शोरा होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर में आपका क्या है कि दर्ज जेल में जो है
दर्ज जेल अल्फाज में कौन मुजक्कर नहीं है। यहाँ मतलब ये पूछा गया है कि दर्ज जेल में जो है कौन मुजक्कर नहीं है, मतलब कि मुअन्नस है, क्या वो गुल या आपका मौज या आपका समंदर या आपका वक्त। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दर्ज जेल में कौन मुजक्कर नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है इनमें जो मुजक्कर नहीं है वो है मौज। ठीक है दोस्तों, मौज जो है वो एक क्या है यानी मुअन्नस है, मुअन्नस यानी वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर आपका क्या है कि नीचे अल्फाज में मुजक्कर कौन है, यानी नीचे जो अल्फाज दिया गया है, ऑप्शन जो दिया गया है, इनमें से जो है आपका मुजक्कर कौन है, क्या आदत है या फिर सरवत है या आपका आफ्ताब है या दौलत है, तो इनमें जो है कौन मुजक्कर है, तो राइट आंसर इसका बताना है दोस्तों। तो आप लोग को याद रखना है कि इनमें जो मुजक्कर है ना वो आपका आफ्ताब है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्या है दोस्तों कि दर्ज जेल अल्फाज में कौन सा किस लफ्ज का इमला दुरुस्त है, यानी कौन सा जो है इनमें से जो है इमला जो है दुरुस्त है, यानी कौन जो है सही है, जाला, आफत, आज या फिर आपका अकद, तो इनमें से जो है कौन सा लफ्ज का इमला जो है वो दुरुस्त है, तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो इनमें जो है दुरुस्त है ना वो आफत है। ठीक है दोस्तों, आफत जो है वो दुरुस्त वर्ड है, दुरुस्त लफ्ज है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्या है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो है बच्चे मुहावरा लगा करके आ जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, आप लोग पहले लगा दीजिए क्या होगा, मुहावरा, कहावत, पहली, मकूला, तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें जो है बहुत सारे बच्चे यानी लाइव चैट में भी ऑप्शन नंबर ए ही लगाएंगे, मुझे पता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है ना दोस्तों आप सभी को भूलना नहीं है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जो है ना एक कहावत है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं, 59 नंबर क्या है, लफ्ज सूरत का मुतरादिफ क्या है, देखिए लफ्ज सूरत का जो है मुतरादिफ क्या होगा, सूरत, सूरत का क्या होता है दोस्तों, यानी हसन या सीरत, चेहरा या फिर शक्ल, तो राइट आंसर क्या होगा, सूरत का मुतरादिफ क्या होता है, सूरत सीरत यानी सूरत सीरत। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका जो राइट आंसर होगा नहीं, सूरत मुतरादिफ पूछा है दोस्तों, तो मुतरादिफ किसको बोलते हैं हम लोग, हम मानी को, तो हम मानी इनमें से कौन सा होगा, शक्ल होगा ना, शक्ल मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं कि सूरत व शक्ल को भी देखा कीजिए, ठीक है दोस्तों, तो सूरत व शक्ल बिगड़ गया है, तो मतलब ये कि सूरत का जो मुतरादिफ होता है वो शक्ल भी होता है, राइट आंसर, जैसे खाना पीना रोटी वोटी ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही है कि सूरत का मुतरादिफ क्या होगा, सूरत वरत, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्या है कि अनीस जो है मर्सियागो शायर है, इस जुमला में लाहका कौन है, तो लाहका देखिए, लाहका और आपका साबका, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, साबका जो होता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, यानी फर्स्ट वाला वर्ड को उपसर्ग बोलते हैं, यानी साबका बोलते हैं, और सेकेंड वाला वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाहका बोलते हैं, मतलब पढ़ते बोलते हैं, जिसको प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बता दिए थे, ठीक है, यानी उपसर्ग पढ़ते हैं, साबका, लाहका, प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है, तो अनीस मर्सियागो शायर है, तो इनमें जो है लाहका कौन होगा दोस्तों, तो वो गो होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम लोग का यहाँ तक 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपका 100 लाइक हो गया तो नेक्स्ट वाला पार्ट जो है आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को जो है पर डे यानी 100-100 क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग को, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो में बस 100 लाइक का टारगेट पूरा करवा दीजिए, उसके बाद जो है आप लोग को आगे जो है और भी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 61 नंबर देखते हैं, 61 नंबर क्या है कि दर्ज जेल में जो है, यहाँ पर क्या है कि दर्ज जेल में साबका लफ्ज़ की निशानदही कीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनमें से जो है साबका लफ्ज़ का निशानदही कीजिए, बागबान, पानदान या फिर दुकानदार या फिर ला इल्म, ये क्वेश्चन आप लोग को यानी करा दिए थे जब कवायद का क्लास करवा रहे थे, कवायद में भी ये सब क्वेश्चन पूरा करवा चुके हैं, तो इसीलिए आप लोग को जो है कवायद वाला भी प्लेलिस्ट से जाकर के क्लास ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इनमें जो है यानी साबका वाला लफ्ज़ कौन सा है, तो ला इल्म है, दुकानदार जो है ये लाहका वाला वर्ड इस
इसमें मिला हुआ है। इसमें जो है पान दान में पान और दान, ठीक है, बागबान में बाग और पान, दुकानदार में दुकान और दार, ठीक है, दो मिल रहा है, ठीक है, और ला इल्म जो है इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक साबका वाला लफ्ज़ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 क्या है कि नीचे लिखे अल्फाज में इस्म नकरा है या इस्म आम कौन है। तो इस्म आम में आम चीज़ों का नाम हो, तो आम चीज़ों में क्या है, आम, फल, सेब, अमरूद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आम, अमरूद और सेब, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है आपका एक फल है, ठीक है, यानी खास नाम है, यानी फलों के नाम को ही हम लोग के फलों, एक फल जो है, फल क्या हो गया, एक इस्म आम हो गया, ठीक है दोस्तों, आम नाम हुआ, लेकिन उसके फलों के नाम जैसे कि आम, अमरूद, सेब, केला, ये सब अगर नाम आ गया तो एक खास नाम हुआ, ठीक है दोस्तों। तो खास नाम को हम लोग इस्म खास बोलते हैं, और जो यानी आम नाम है उसको हम लोग इस्म नकरा यानी इस्म आम बोलते हैं। तो इसमें इस्म नकरा कौन होगा दोस्तों, तो फल होगा। फल में बहुत चीज़ें आती है, जैसे कि आम, सेब, अमरूद, अनार, केला, ऐसे ही जो है एग्जाम्पल में यानी बहुत सारे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग जो याद रखिएगा, यहाँ पर फल क्या है, तो फल जो है इस्म आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 क्या है कि दर्ज जेल अल्फाज में इस्म आला की मिसाल कौन सा लफ्ज़ है। इस्म आला जो है इनमें से जो है कौन सा लफ्ज़ है, खुशबू, घड़ी, या फिर आपका चमक, या फिर हसीन। तो इस्म आला क्या होता है दोस्तों, कोई भी हथियारों के नाम। तो घड़ी क्या है दोस्तों, ये कोई भी चीज़ है, हथियारों के रूप में आते हैं, तो वो घड़ी क्या हो जाएगा, तो ये हथियारों के नाम आया, तो वो इस्म आला हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है दोस्तों। और खुशबू क्या, एक ये जो है ये आपका सिफत है, ठीक है दोस्तों, चमक सिफत है, हसीन जो है सिफत है, घड़ी जो है वो एक आपका इस्म आला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 क्या है कि बागो बहार किस फारसी किस्से का तर्जुमा है, यानी बागो बहार जो है किस फारसी किस्से का जो है तर्जुमा है। इखला के मोहसिनी, चार दरवेश, या फिर आपका गुलिस्तान सईदी, या आपका चहारे मुकाला। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बागो बहार किस फारसी किस्से का जो है तर्जुमा है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें जो है चार दरवेश लगा करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, चार दरवेशों का जिक्र किया गया, लेकिन बागो बहार जो है फारसी किस्से का तर्जुमा किए हैं, तो वह अखला के मोहसिनी का किए हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्या है कि बिशन सिंह का किरदार किस अफसाने में है। तो बिशन सिंह का जो किरदार है तो वो किस अफसाने में, क्वारंटाइन, प्रॉमिस, टोबाटेक्सिन, भोले बिसरे गीत। तो आप लोग को बताया कि सिंह जहां देखे वहां ऑप्शन में भी देख लीजिएगा कि सिंह जहां हो वहां लगा देना। तो टोबाटेक्सिन के मरकजी किरदार जो बिशन सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निसाब में शामिल जो है गुफ्तगु क्या है। तो गुफ्तगु जो है निसाब में शामिल वो एक क्या है, खुदनविश, खाका, अफसाना, नज्म। तो आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, गुफ्तगु क्या है। तो गुफ्तगु जो है एक नज्म है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा। क्या निसाब में शामिल जो गुफ्तगु है वो एक क्या है दोस्तों, तो वो एक नज्म है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 क्या है कि सर्वर का पूरा नाम है। तो देखिए सर्वर का जो पूरा नाम है वो क्या है दोस्तों, अब्दुल्ला बेग रजब अली, या फिर आपका अब्दुल्ला बेग, या फिर आपका अबीदुल्ला बैग, या फिर आपका तैब अली बैग। तो राइट आंसर क्या होगा, सर्वर का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो रजब अली बैग सरोवर है, सर्वर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, दर्जी जेल में से किसकी पैदाइश जो है लाहौर में हुई। इनमें से जो है किसकी पैदाइश जो है लाहौर में हुई, मिंटो, अमीक हनफी, बेदी, सलाम बिन रज्जाक। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, इनमें से जो है लाहौर में जो पैदाइश हुई है ना, उनकी जो पैदाइश हुई है वो जो है यानी बेदी की पैदाइश हुई है लाहौर में। किसकी दोस्तों, बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई है 1915 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है, बेदी की पैदाइश कब हुई है, तो 1915 ईस्वी को, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69, जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे। देखिए दोस्तों, जोश मली आबादी जो है वो आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे, इंग्लिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, आज़ादी के बाद जोश मली आबादी
जो है पाकिस्तान चले गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। इनमें से जो है कौन सी नज्म मिजाज की है, इनमें से जो है कौन सा नज्म है जो मिजाज लखनवी की है, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, मेरा सफ़र, आवारा या फिर खेती। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आवारा। आवारा जो है इसका नज्म जो है, यानी इसके जो मुसन्निफ है वो मिजाज लखनवी है, खेती का अमी खनफी है, मेरा सफ़र का अली सरदार जाफरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखते हैं। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के उस्ताद का नाम क्या था। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं, यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर लेना है दोस्तों, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के उस्ताद का नाम क्या है। तो मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के उस्ताद का नाम जो है नज़ीर अहमद है। और कभी कभी ये पूछ देते हैं कि मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग यानी नज़ीर अहमद के कौन थे, तो आप लोग को याद रखना है मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द थे, और नज़ीर अहमद फरतुल्ला बेग के कौन थे, तो उस्ताद थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है एक बार यानी जरूरी इसको जो है नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि फरतुल्ला बेग नज़ीर अहमद के कौन थे, तो वो शागिर्द थे। नज़ीर अहमद फरतुल्ला बेग के कौन थे, तो उस्ताद थे। फरतुल्ला बेग के उस्ताद का नाम क्या था, तो नज़ीर अहमद था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और नज़ीर अहमद जो है यानी किसके लिए जो है यानी ये जो है फेमस थे, यानी किस हैसियत से मशहूर थे, तो आप लोग को याद रखना नज़ीर अहमद जो है वो नावल निगार थे। ठीक है दोस्तों, नज़ीर अहमद नावल निगार थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। 72 क्या है कि रॉकफेलर कौन था, रॉकफेलर जो थे वो आपका कौन था, साइंसदान, डॉक्टर, ताजिर या फिर किसान। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, रॉकफेलर जो था वो मिट्टी के तेल का तिजारत करते थे, तिजारत मतलब बिजनेस करते थे। ठीक है दोस्तों, यानी मिट्टी के तेल का तिजारत करते थे, तो तिजारत करने वाले को क्या बोलते हैं, ताजिर कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रॉकफेलर जो है ताजिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 73 क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी जो है नदवी को इनमें से किस जुबान में महारत हासिल नहीं थी। देखिए इनमें जो चार ऑप्शन दिया गया है, अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, इनमें से जो है कौन सा जुबान है जिसमें महारत हासिल नहीं थी, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो है संस्कृत। संस्कृत में यानी आपका सैयद सुलेमान नदवी को महारत हासिल नहीं थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 नंबर क्या है, इंसाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मगरिब को किसकी अलामत जो है करार दिया है। देखिए दोस्तों, इंसाइया हिजरत में जो है मुसन्निफ़ ने मगरिब को जो है किसकी अलामत करार दिया है, तो क्या गुलामी की, आज़ादी की, हिजरत की या फिर अमन की। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है इसका राइट आंसर होगा गुलामी की। ठीक है दोस्तों, गुलामी की अलामत दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। 75 नंबर क्या है कि वह कल दिल्ली जाएगा। देखिए वह कल दिल्ली जाएगा, इस ये जुमला जो है किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जो है आंसर देते रहिएगा। ठीक है, आंसर आप लोग जो है लाइव चैट में देते रहिएगा। आज क्लास जो है धीमे हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वह कल दिल्ली जाएगा, यह जुमला जो है किस ज़माने से ताल्लुक़ है, तो गा गे गी रहे, तो आप लोग को बताएं कि वो जो होता है मुस्तकबिल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर कि मस्तिष्क के मानी क्या है, तो मस्तिष्क के मानी जो होता है वो क्या होता है, जमा किया हुआ, निकला हुआ, अलग किया हुआ या फिर जोड़ा हुआ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, तो मस्तिष्क के मानी जो होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है उसका जो मानी होता है वो निकला हुआ होता है। क्या होता है दोस्तों, निकला हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर कि फेल की जमा क्या है, तो फेल की जो जमा होती है वो क्या होती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, फेल की जो जमा होती है वो होती है अफ़आल। क्या होती है, अफ़आल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, खार की जिद क्या होगी, खार की जो जिद होगी यानी उल्टा होगा, तो वो क्या होगा, क्या होगा, नखल होगा या फिर गुल होगा या बाघ होगा, बर्ग होगा। तो राइट आंसर बता दें, खार की जो जिद होती है वो गुल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर कि इसका नाम जो है फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है, इस जुमला में इसमें जो है फजलू क्या है। देखिए दोस्तों, इसका नाम जो है फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से जो है मशहूर है, तो इसमें जो है फजलू है तो वो क्या है, क्या खिताब है, लकब है, उर्फ है, कुनियत है। तो राइट आंसर होगा वो जो होगा, क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, उर्फ है। क्या है दोस्तों, उर्फ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। यगाना चंगेजी का असल नाम, यगाना चंगेजी का जो असल नाम थे वो क्या था, मिर्ज़ा साहिद हुसैन, मिर्ज़ा वाहिद हुसैन, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, मिर्ज़ा आबिद हुसैन। देखिए दोस्तों, PDF जो है सही नहीं बन पाया है,
देखिएगा, थोड़ा आप लोग जो है वॉइस से भी आप लोग जो है कवर कर सकते हैं, तो मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, वॉइस से भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये गाना चंगेजी का असल नाम क्या है, तो ये गाना चंगेजी का जो असल नाम है वो था क्या, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, खलीलुररहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। खलीलुररहमान आज़मी जो है कौन से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो आप सभी को पता होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, 82 क्या है, दर्ज जेल में से किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल हुई। देखिए किस शायर को जो है तारीख गोई में महारत हासिल हुई थी, इनमें से कौन शायर थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वह कौन सा शायर थे, तो आप सभी को याद रखना है उस शायर का नाम जो है वो क्या था, तो वो था क्या यानी अत्ता का कवि, तो वो कौन थे दोस्तों, अता का कवि थे। ठीक है, अता का कवि को तारीख गोई में महारत हासिल हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, कि एक फूल का मजमून हो तो डैश से बांधो। यहाँ पर जो है जुमला को पूरा करने बोले हैं कि एक फूल का जो है मजमून हो तो डैश से बांधो, किससे बांधेगा, यानी सदरंग या फिर गुलरंग या आपका सौरंग या फिर नारंग, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौरंग। ठीक है, क्या होगा सौरंग, एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधो, खाली जगह में यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 84 नंबर, कि वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ जो है एहसान दानिश ने यानी मजदूरी की थी। देखिए दोस्तों वह कौन सा यूनिवर्सिटी है जहाँ जो है एहसान दानिश ने मजदूरी किए थे, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश मजदूरी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, कि अगर बाहर यानी बाहर आपस के घर 100 मोहन एक कदम निकले, यानी यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, अगर बाहर यानी बाहर आपस के घर 100 मोहन के कदम निकले, तो ये जो मिसरा है में मोहन से क्या मुराद है, तो मोहन जो है उससे मुराद जो है ना दोस्तों वो है मासूक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, 86 क्या है, कि राशिक अजीम आबादी का पूरा नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राशिक अजीम आबादी का पूरा नाम क्या था दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है राशिक अजीम आबादी का पूरा नाम शेख गुलाम अली था। क्या नाम था दोस्तों, शेख गुलाम अली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब क्वेश्चन जो ठीक है, इधर PDF ठीक बना है। 87 नंबर, 87 नंबर क्या है, दर्ज जेल में किस दर्ज जेल सेहरा में जो है कसीदा को कौन है, तो इनमें से जो है कसीदा को कौन थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है मिर्ज़ा रफ़ीउल हुदा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ा रफ़ीउल हुदा जो है वो क्या है, कसीदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, कि साहिर लुधियानवी की वफ़ात कहाँ हुई। साहिर लुधियानवी की जो वफ़ात हुई थी वो कहाँ हुई थी, साहिर लुधियानवी की जो वफ़ात हुई थी ना दोस्तों, आप सभी को याद रखना है मुंबई में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, और 11 क्वेश्चन है दोस्तों, 100 BBA ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 89 नंबर देखें, कि मौलाना निजामुद्दीन यानी कताए तारीख किस मौका पर लिखा। देखिए दोस्तों मौलाना निजामुद्दीन जो लिखे थे कताए तारीख, तो वो किस मौके पर लिखे थे, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो लिखे थे ना वो किसके लिए लिखे थे, यानी किस मौके पर लिखे थे, तो वो जो लिखे थे यानी वो लिखे थे क्या, मसनद नसीनी पर। ठीक है दोस्तों, क्या मसनद नसीनी के मौके पर यानी मौलाना निजामुद्दीन कताए तारीख लिखे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, 90 नंबर क्या है, कि दर्ज जेल में राशिक अजीम आबादी का उस्ताद शेर कौन है, तो इनमें से जो है दर्ज जेल में यानी राशिक अजीम आबादी का उस्ताद शेर कौन है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इनमें से जो है उनका जो यानी राशिक अजीम आबादी के उस्ताद शेर है उनका नाम मीर है। क्या है दोस्तों, मीर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, 91 नंबर, अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गाँव का कस्बा बयान किया गया है। अफसाना इब्राहिम सुक्का में कौन से गाँव का जिक्र किया गया है, तो ढोरन गाँव का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है। सैयद अजीज अहमद जो किरदार है वो किस अफसाने का किरदार है, तो आप सभी को याद रखना है भोले बिसरे गीत का। किसका दोस्तों, भोले बिसरे गीत अफसाने का वो किरदार है सैयद अजीज अहमद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है आज़ाद की अहलिया का नाम क्या था। मौलाना आज़ाद की जो है अहलिया का नाम क्या था, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, मौलाना आज़ाद की जो अहलिया का नाम था उनका नाम जो है यानी जुलेखा बेगम था। क्या था दोस्तों, जुलेखा बेगम।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्या है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से बताए कि मौलाना ये सॉरी अली सरदार जाफरी की जो पैदाइश हुई है वो जो है किस रियासत में हुई है, तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्या है, रहीम की सराफत शहर में मशहूर हुए, यानी रहीम की सराफत के शहर में मशहूर हुए, इसमें सिफत कौन है। तो सिफत इनमें से क्या होगा दोस्तों, सिफत क्या होता है, गुण होता है, तो इनमें से गुण क्या है दोस्तों, सराफत है, सराफत शहर, ठीक है दोस्तों, सराफत शहर में के शहर के लिए उनको वो जो है मशहूर हुए, तो सराफत के लिए ही हुए ना, तो वो एक गुण हुआ, उनको उसी गुण के वजह से वो मशहूर हुए, तो सराफत तो ही गुण हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देखते हैं, 96 नंबर क्या है कि वह इम्तिहान में जो है कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल क्या है, तो मेहनत कर रहा है तो इनमें से काम जो कर रहा है तो वो क्या होगा, फेल होगा, मतलब कि कर रहा है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, दर्ज जेल में इसमें जर्फ कौन है, तो इसमें जर्फ यानी जगह का नाम, तो इनमें से जगह का नाम लाल किला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखते हैं, 98 नंबर क्या है कि देखिए 98 नंबर में क्या है दोस्तों कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यहाँ पर क्या बोला गया है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना क्या है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, चुल्लू भर पानी में डूब मरना ये जो है एक मुहावरा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखते हैं कि दर्ज जेल में वाहिद लफ्ज कौन सा है, तो इनमें से जो है वाहिद लफ्ज है तो वो कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है मंदिर एक वाहिद लफ्ज है जिसका यानी जमा होता है मनादिर, क्या होता है दोस्तों, मनादिर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ मंदिर दिया है तो ये एक वाहिद लफ्ज है, और यहाँ पे हम लोग को वाहिद लफ्ज बोला है कि कौन लोग वाहिद लफ्ज होगा, तो वो मंदिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज के क्लास का, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन थे, अफसाना इब्राहिम सुक्का में जो है स्कूल के इंचार्ज कौन थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है उसके जो यानी इंचार्ज थे तो उनका नाम जो है वो अब्दुल रब थे, क्या थे दोस्तों, अब्दुल रब थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ पर टॉप 100 VBI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है, तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग का जो 100 में कितना सही हुआ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा।